हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो। स्वागत है आप सभी का कौशिक टेक्निकल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे पॉलीटेक्निक फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, ठीक है ना। आप लोग स्टडी करने से पहले सभी छात्रों की कमेंट आई, सर हमको सिलेबस बता दीजिए। तो सभी को सिलेबस, जो आपका सब्जेक्ट कितने हैं, सब्जेक्ट बता दिए जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगी सब, या फिर डिस्कशन में लिंक डाल दूंगा, तो उसमें जो है आपको प्रीवियस वीडियो की लिंक मिल जाएंगी और आपको जो है क्या क्या सब्जेक्ट के अंदर क्या क्या पढ़ना है पूरा टॉपिक वाइज मिल जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, टेलीग्राम पर जो है पीडीएफ मिल जाया करेंगे आपको, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। एक और आपको इन्फॉर्मेशन दे दूँ कि सभी छात्र जो है कमेंट करके ये बताना कि सबसे पहले किसकी स्टडी तैयार कराएँ, कि सेकेंड सेमेस्टर की, फोर्थ सेमेस्टर की, या फिर सिक्स सेमेस्टर की। आएगी तो सबकी वीडियो, लेकिन सबसे ज़्यादा किसकी आएँ, क्योंकि हमको पता चले कि चैनल पर सबसे ज़्यादा छात्र किस सब्जेक्ट जो है किस सेमेस्टर की जुड़े हुए हैं, ठीक है ना। मैकेनिकल के भी छात्र कमेंट करना, इलेक्ट्रिकल के, जो आप देख रहे हैं वीडियो सभी जो है कमेंट करके बताना। तो चलिए पहले मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ, उसके बाद वीडियो अपलोड। तो दोस्तों, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं सिलेबस फॉर फोर्थ सेमेस्टर स्टूडेंट्स मैकेनिकल के लिए, ठीक है ना। न्यू सिलेबस 2021 लेटेस्ट सिलेबस है ये। अभी कुछ चेंजिंग जैसी होगी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। अभी लेकिन कोई चेंजिंग नहीं हुई है। फोर्थ सेमेस्टर के लिए पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा मैकेनिकल के लिए। चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर आप सबसे पहले दिखा दूँ फोर्थ सेमेस्टर सिलेबस फॉर मैकेनिकल स्टूडेंट। ये जो है मैकेनिकल जो है आपका ऑटोमोबाइल वाले हैं या फिर प्रोडक्शन वाले हैं, सभी के लिए है, दोनों ब्रांच के लिए, ठीक है ना। चलिए, तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं आपका कम्युनिकेशन स्किल सेकंड। आपने फर्स्ट सेमेस्टर में कम्युनिकेशन स्किल फर्स्ट पढ़ा होगा, ठीक है ना, लेकिन अब आपको सेकंड पढ़ना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसको बोलते हैं हम आर ए सी, ठीक है ना। आर ए सी क्यों बोलते हैं इसको, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, तो इसलिए इसको आर ए सी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। इतना लंबा कोई नाम नहीं लेता, लेकिन इसका जो है पेपर होगा, इसका भी जो है पेपर होगा, दोनों का पेपर होगा, ध्यान रखिएगा। इसका आपका बाय बाय प्रैक्टिकल भी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आप देख पाएंगे हाइड्रोलिक्स एंड प्रोटेटिक, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये अटके आए लेकिन प्रोटेटिक, अब जो है हाइड्रोलिक्स रह गया है केवल, ठीक है। चैप्टर सब्जेक्ट नेम से कोई अंतर नहीं पड़ता, लेकिन आपकी बुक्स आएंगी उसमें हो सकता है पुरानी हो, तो उसमें ये लिखा आएगा, ठीक है, इसमें टेंशन ना लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका फोर्थ सब्जेक्ट नेम, फोर्थ है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड मैनुफैक्चरिंग। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्या मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसकी सारी सेवन चैप्टर हैं, इसमें सेवन चैप्टर की वीडियो चैनल पर अपलोड है। आप डालेंगे कैड वाई कौशिकजी टेक्निकल, पूरी तरीके से हमारी वीडियो खुलेंगी, तो इसकी जो है कहीं नहीं मिलेंगी आपको यूट्यूब पर, केवल हमारे चैनल पर अपलोड है। और एक एक टॉपिक की मिलेंगी, ठीक है ना। आपको जैसे कोई नया टॉपिक आया होगा, जो पुराना हट गया होगा, वो मैं आपको कवर करके बता दूंगा, ये हटाया ये नहीं आया, ठीक है ना, लेकिन आप देख लीजिएगा वीडियो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है पाँचवा नंबर क्या है, इन्वायरमेंटल स्टडी। दोस्तों इसका पेपर नहीं होता, इसका केवल आपको प्रैक्टिकल होता है, ठीक है। इन्वायरमेंटल स्टडी इसका पेपर नहीं होता, इसका प्रैक्टिकल होता है, लेकिन अब जैसे कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको बता दूंगा। ऐसे अपडेट आया नहीं है, पहली बार प्रैक्टिकल ही हुआ था इसका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर एनर्जी कंजर्वेशन, इसका कोई प्रैक्टिकल, इसका प्रैक्टिकल भी होता है। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूँ यूनिवर्सल हुमैन, इसका पेपर नहीं होता। इसका पेपर इसलिए नहीं होता क्योंकि इसमें कुछ नहीं है, केवल इसका प्रैक्टिकल जरूर होता है, ठीक है ना। और प्रैक्टिकल आपको बता दूँ किन किन सब्जेक्ट का होता है, अभी आपको पूरी पहले ये देख लेता है। और उसके बाद आता है इंडस्ट्री ट्रेनिंग, आपको ये आपको करनी होती है और ये 21 दिन की होती है। सबसे पहले इसको बता दूं, इंडस्ट्री ट्रेनिंग फोर्थ सेमेस्टर का जब आप पेपर दोगे उसके बाद होती है, ठीक है ना। उसमें स्पेशली छुट्टी मिलती है सभी के लिए 21 दिन की, जब आप कर सकते हैं। अच्छा, पहले मैं आपको दिखा दूं इसका पेपर नहीं होगा इंडस्ट्री ट्रेनिंग का। अच्छा, यहाँ पर आपको दिखा दूं ह्यूमन वैल्यू, इसका पेपर नहीं होगा। एनर्जी का और सभी आपके 6 पेपर होंगे, ठीक है ना। 8 सब्जेक्ट हैं, 2 के पेपर नहीं होंगे, 6 का पेपर होगा, ठीक है ना। प्रैक्टिकल देख लेना इसका, प्रैक्टिकल इसका भी होगा, इन ह्यूमन वैल्यू का, एनर्जी कंजर्वेशन का भी होगा आपका प्रैक्टिकल, एनवायरमेंटल स्टडी का भी होगा, और आरएसी का भी होगा, और किसी का नहीं होगा। हो सकता है हाइड्रोलिक्स का हो आपको, ठीक है ना। पहली बार मैंने तो देखा नहीं, लेकिन अब की बार हो सकता है, जैसे कोई अपडेट आता है मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। ये एक छोटा सा आपको सिलेबस बताना था, मैंने आपको बता दिया सिलेबस नेम। अब पीडीएफ आपको हो सकता है टेलीग्राम चैनल मिल जाए, नहीं तो मैं आपको एक पेन कॉपी पे वाई कायदा या वाइट बोर्ड पे आपको लिख के बता दूंगा, आप कमेंट करके बता देना इतना समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट सब्जेक्ट में आपको पूरा बता दिया जाएगा, नेक्स्ट पूरी क्लियर कर दिया जाएगा। तो सब तक के लिए वीडियो को लाइक कर देना, अपने सभी दोस्तों में शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट में, बहुत जल्द। धन्यवाद, बाय बाय।